गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो ओम का उच्चारण करने के लिए आपने बिल्कुल शांत जगह में बैठ जाना है, अपने नीचे कोई फर्श में बैठ करके, अपने नीचे कोई ब्लैंकेट या कोई मैट वगैरह बिछा करके आपने बैठना है ध्यान मुद्रा में। तो हम सबसे पहले करेंगे ओम का उच्चारण 3 बार, फिर उसके बाद हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो हम इस तरह से ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, हाथ को इस तरह से करेंगे, इसको हम ध्यान मुद्रा बोलते हैं। तो हम इस तरह से बैठ करके ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। इसी तरह से अब इसके बाद हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों में लगा लेंगे और आईज को ओपन कर लेंगे। आईज ओपन करने के बाद अब हम फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। और बेटा इतनी बात याद रखना, गायत्री मंत्र जो हम संस्कृत में बोलते हैं, जब हम हिंदी में इसका अर्थ बोलेंगे तब भी हम उसी लय के साथ उसको गाएंगे, ठीक है। तो अभी हम फिर से आईज क्लोज करेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दुख हरिता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो इस तरह से हम फिर आईज ओपन कर लेंगे और इसी तरह से गायत्री मंत्र का उच्चारण और ओम का उच्चारण आपको प्रतिदिन करना है, रोजाना। और इसी के साथ साथ मेडिटेशन करना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मेडिटेशन को भी आप रोज़ाना डेली किया कीजिए। आपको मैंने बताया ही था मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन भी किया करें और साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करें। गायत्री मंत्र के उच्चारण के हमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारा क्रोध शांत होता है, जो हमें अधिक गुस्सा आता है उस पर कंट्रोल होता है, और इसी के साथ साथ अनेक बीमारियां जो होती हैं उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी हमें गायत्री मंत्र जो होता है ज़रूरी है। और शरीर में जो रक्त संचार होता है, गायत्री मंत्र अगर हम रोज़ाना बोलते हैं तो हमें ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा सही हो जाता है। तो इसलिए हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करना है। ओके, थैंक यू।